नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भव्य स्वागत कर दोनों एशियाई महाबलियों के बीच रिश्ते में गर्मजोशी लाने की जोरदार कोशिश की है। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को महाबलीपुरम के मंदिरों और दक्षिण भारतीय कल्चर से रूबरू कराया और इसी के साथ मोदी शी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों के कौतूहल का विषय बनी हुई है। जिस तस्वीर को लेकर कौतूहल बना है, उस तस्वीर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है जो बेहद खतरनाक तरीके से आगे की ओर काफी झुका हुआ है और लग रहा है कि किसी भी वक्त दोनों राष्ट्राध्यक्षों को गंभीर रूप से घायल कर सकता है या फिर मौत के मुहाने पर लाकर भी खड़ा कर सकता है। तो आज हम मोदी शी के पीछे खड़े पत्थर का रहस्य आपको बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मोदी शी के पीछे खड़े पत्थर को कृष्ण लड्डू कहा जाता है और ये 250 टन वजनी पत्थर कृष्णा बटरबॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले करीब 1300 सालों से भूकंप, सुनामी, चक्रवात समेत कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी अपने स्थान पर टिका हुआ है। यही नहीं, इस पत्थर को हटाने के लिए कई बार इंसानी प्रयास भी किए गए, लेकिन हर बार विफलता ही हाथ लगी। दुनिया भर से महाबलीपुरम पहुंचने वाले लोगों के लिए प्राकृतिक पत्थर से बना कृष्णा बटर बॉल आश्चर्य का विषय बना रहता है। कृष्णा बटर बॉल एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। 20 फीट ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा ये पत्थर करीब 250 टन वजनी है। ये विशालकाय पत्थर पहाड़ी पर बेहद कम स्थान पर खड़ा है, जिससे ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है। इसी वजह से रिस्क उठाने वाले लोग ही इस पत्थर के नीचे बैठते हैं। ये पत्थर करीब 45 डिग्री के स्लोप पर पिछले 1300 साल से महाबलीपुरम में विराजमान है। इस पत्थर पर गुरुत्वाकर्षण का भी कोई असर नहीं है। वहीं लोकल लोगों का मानना है कि या तो ईश्वर ने इस पत्थर को महाबलीपुरम में रखा था, जो ये साबित करना चाहते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं, या फिर स्वर्ग से इस पत्थर को लाया गया था। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टान अपने प्राकृतिक स्वरूप में है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में आए प्राकृतिक बदलाव की वजह से इस तरह के असामान्य आकार के पत्थर का जन्म हुआ होगा। इस बीच हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की माने तो इसे भगवान कृष्ण अक्सर अपनी मां के मटके से माखन चुरा लेते थे और ये प्राकृतिक पत्थर दरअसल श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए मक्खन का ढेर है जो सूख गया है। वहीं एक दिलचस्प बात बताते चलें कि इस पत्थर को हटाने के लिए पिछले 1300 सालों में कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी विफल रहे। साल 1908 में ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास के गवर्नर आर्थर लावले ने इसे हटाने का प्रयास किया था। लावले को डर था कि अगर ये विशालकाय पत्थर लुढ़कते हुए कस्बे तक पहुंच गया तो काफी लोगों की जान जा सकती है। इससे निपटने के लिए गवर्नर लावले ने 7 हाथियों की मदद से इसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी ये पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार गवर्नर लावले को अपनी हार माननी पड़ी। अब ये पत्थर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पत्थर के सामने शी मोदी खड़े थे वो क्या है और कैसा है और उसकी शक्ति कितनी ज्यादा है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। ब्रिक्स समिट, G20 समिट दिस ईयर इन ओसाका जापान, लास्ट ईयर इन 2018 इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, द लीडर्स मेट एट द SCO समिट एट बिश्केक एज वेल। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट बोथ द लीडर्स बिलीव इन टेकिंग टाइज बियॉन्ड कैपिटल सिटीज ऑफ न्यू दिल्ली and Beijing. That's the Arjuna's penance. The panoramic view that one can see on this base relief depicts the life in the forest, beautifully sculptured, dates back to the Pallava dynasty in the 6th and the 7th century AD. और जहां तक कृष्णा बटरबॉल की बात है तो आपको जान के हैरत होगी कि जनता की सुरक्षा के लिए 20वीं शताब्दी की शुरू में इस बटरबॉल को, इस पत्थर को अपनी जगह से हटाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन यह पत्थर अडिग है, स्थिर है और संदेश देता हुआ कि यह एक प्राकृतिक स्मारक है। दूर दूर से लोग मामल्लापुरम आते हैं इस धरोहर से जुड़ने के लिए और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन हेरिटेज साइट्स पर
जाएंगे खुले माहौल में, दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होगी और उम्मीद है कि उससे दोनों ही देशों के रिश्तों को बल मिलेगा। When the Chinese President Xi Jinping came in September 2014 to India, Prime Minister Modi had welcomed him in Ahmedabad, Gujarat. And we can fondly recall the image of the two leaders sitting on the swing near the Sabarmati riverfront with the Gujarati Garba in the background. The delicacies of Gujarat and the culture of India on display. India is known for its soft power. Both India and China are ancient civilizations. China and India are both important engines for global growth. A good Sino-India relationship is an important and a positive factor for maintaining peace and stability in the world. ये गणेश मंदिर है, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी, विघ्नहर्ता। और भारत में तो परंपरा है, जब भी कोई कार्य का शुभ आरंभ करना है तो गणेश वंदना से किया जाता है। ये अखंड मंदिर शिव को समर्पित है। इसे अत्यंत काम पल्लवर वरन के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत काम शीर्षक की पहचान परमेश्वरा वर्मन प्रथम के साथ जानी जाती है। यह मंदिर द्वितल साल विमान से युक्त है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत इस समृद्ध विरासत का रख रखाव किया जाता है। एंड फॉर एनी स्पेक्टेटर हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद हिस्ट्री विद ह्यूमैनिटी कैन ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब द हेरिटेज एंड लर्न लेसन्स for a brighter future. Towards the left of the Krishna's butterball is the Ganesh Rath. Even as the sun is also keeping vigil on a very important development, a new milestone in the relations between India and China. On the right side of the Krishna's butterball is the Trimurti cave temple. And here comes the Honorable President Xi Jinping. Honorable Prime Minister Narendra Modi welcoming the Chinese President Xi Jinping. A firm handshake. From Wuhan spirit in 2018 to Chennai spirit in 2019. The first meeting point, the Arjuna's penance. Archaeological evidences show links had existed about 2,000 years ago between Mamallapuram, the venue of the second informal summit between the two leaders, and China. The Pallavas, whose flourishing seaport was Mamallapuram, had a relationship with China's,
एंड हैड इवन सेंट देयर ओन वॉइस देयर ड्यूरिंग देयर रूल।